Let a lambda and mu belongs to real number r. Consider the system of equation ax plus 2y is equals to lambda and 3x minus 2y is equals to mu. And which of the following statement is are correct? ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने statement देखें तो first statement क्या given है, if a is equals to minus of 3, then the system has infinitely many solution for all values of lambda and mu. And second equation is if a is equals to minus of 3, then the system has an unique solution for all values of lambda and mu. And if lambda plus mu is equals to 0, then the system has infinitely many solution for a is equals to minus of 3. And if lambda plus mu is not equals to 0, then the system has no solution for a is equals to minus of 3. ठीक है, ये यहाँ पे इसकी value given है. ठीक है, अब अपन देखें तो equation क्या given है, यहाँ पे equation given है यहाँ पे ax plus 2y, ax plus 2y is equals to lambda, और ये लिखा हो यहाँ पे 3x minus 2y, 3x minus 2y is equals to mu. ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास system of equation given है. ठीक है, अब इसके लिए condition क्या होती है, unique solution के लिए condition क्या होती है. ठीक है, यहाँ से अगर अपन यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखें तो फोर यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, फोर यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एक्स का जो रेशियो होगा और वाई का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट नॉट इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ से बेसिकली ए अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल्स, अपन बोल सकते हैं ए अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल्स टू टू अपॉन माइनस टू. ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो बेसिकली ये क्या आ गया अपने पास, ये अपन बोल सकते हैं ए इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री. यहाँ से अगर अपन देखें तो ये क्या आ गया, लेमडा और म्यू के किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन ए की वैल्यू अगर अपन माइनस थ्री ना ले तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आ गया. अब अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है, अगर अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करूँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये सारे रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, ये सारे रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये आ जाएगा अपने पास ए अपॉन थ्री, ए अपॉन थ्री इजकस टू, ये वैल्यू आ जाएगा टू अपॉन माइनस ऑफ टू, टू अपॉन माइनस ऑफ टू इजकस टू, ये आ जाएगा लेमडा अपॉन म्यू. ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये पूरी की पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए अगर अपन देखें ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर अपन इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा ए अपॉन थ्री इजकस टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का वन, और ये आ जाएगा अपने पास लेमडा अपॉन म्यू इजकस टू माइनस का वन. ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे माइनस थ्री, और ये देखो तो ये आ जाएगा लेमडा इजकस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का म्यू, और दूसरा अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू इजकस टू जीरो. तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू माइनस थ्री और लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू जीरो होना चाहिए. ठीक है, लेमडा प्लस म्यू इजकस टू जीरो, ए इजकस टू माइनस थ्री, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी अगर अपन देखो तो ये क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए अगर अपन कंडीशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ए अपॉन थ्री, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास ए अपॉन थ्री इजकस टू, ये आ जाएगा अपने पास टू अपॉन माइनस ऑफ टू, टू अपॉन माइनस ऑफ टू इज नॉट इक्वल्स टू लेमडा अपॉन म्यू. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी. अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ गया, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस का थ्री, और ये क्या आ जाएगा, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू, विच मीन्स लेमडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो लेमडा और म्यू की जो सम है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से अगर अपना आंसर देखें तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, बी सी एंड डी.